हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी MR के नोटिफिकेशन को लेकर, और इंडियन नेवी ने अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। कुछ लोग पूछेंगे कि ऑफिशियल साइट पर नहीं है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि कभी भी इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आकर लोकल वेबसाइट पर है वो आपका अपलोड कर दिया जाता है। तो इस आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी का काफ़ी दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था, और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स का आया था। तो अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की कि आखिर क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी और बाकी जो चीज़ें वो क्या रखी गई हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें वैकेंसीज़ हैं वो 400 के अप्रोक्सीमेटली आपकी यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है। 400 से लेकर ये आपके 500 के बीच रहती हैं, ठीक है। जितना भी उनको नीड होती है वो रख लेते हैं। आपको 10th आपकी पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी यहाँ पर नंबर आपके चाहे 39 हो 49 हो, कोई आपका इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। एज लिमिट की यदि मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले 3 पोस्ट हैं उसके, ये आपकी सेप वाली, स्टेवार्ड और हाई निस्टी वाली, 3 पोस्ट हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2003, इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप इसमें इस डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया के अंदर हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं डाल सकते, चाहे आपका एक ही दिन कम क्यों ना हो। सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद यदि मैं आपके फॉर्म की बात करूँ, ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो देखिए कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, वही लास्ट टाइम पैटर्न। 50 क्वेश्चन होंगे आपका, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, बायलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ सिलेबस है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, 30 मिनट आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और PFT आपका 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड नॉर्मली है आपका जो भी रहता है। फॉर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आगे देखते हैं तो ये आपको जो फॉर्म है वो 26 तारीख से लेकर 1 अगस्त यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 दिन में आपके फॉर्म हैं वो भरे जाने। तो फॉर्म भरते वक्त आपको एक बार ज़रूर बता दूंगा मैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।